हनी से भरे चेहरे के साथ कृष्ण से कह रहा था। कन्हैया, ये जिंदगी नहीं जी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं जिंदगी जीने के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, बल्कि नौकरी करने के लिए जीवन जी रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं प्रभु, ऐसी जिंदगी का सपना तो नहीं देखा था। ये कहते कहते जैसे उसका पूरा गुस्सा, बेचैनी और काम का बोझ आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगा था। कान्हा ने तुरंत उसका कंधा पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। अरे, इतना परेशान क्यों होते हो? जीवन है तो कठिन तो होगा ही। जीने वालों के लिए परेशानियां होती हैं, मुर्दों को थोड़ी ही कोई समस्या होगी। बताओ अपनी बात को, पूरी तरह से मुझे समझाओ। कन्हैया, आप तो जानते ही हैं, मैं एक मुंशी के तौर पर काम करता हूं, उसमें मेरा खुद का कोई काम नहीं होता है। मुझे वही करना होता है जो मेरे मालिक मुझे कहते हैं। एक समय के बाद काम इतना बढ़ जाता है कि उसे पूरा करने में लगता है कि मानो पूरा दिन और रात गुजर जाएगा। कई बार काम के बारे में सोचकर नींद भी नहीं आती है, और ज्यादातर मैं अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूं। इस नौकरी के झंझट ने मुझसे मेरा सुकून, मेरी नींद सब छीन ली है। इसे ठीक करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि नौकरी छोड़ नहीं सकता। उसको छोड़कर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, पर उसे करते हुए मैं अपने दिमाग का संतुलन नहीं कर पा रहा हूं। भक्त की बातों को कृष्ण ने ध्यान से सुना और उन्हें न सिर्फ वो भक्त दिख रहा था, बल्कि आने वाले समय में इस तरह के कई लोग दिख रहे थे जो इस समस्या से कभी ना कभी जूझने वाले थे। कृष्ण एक ऐसे इंसान थे जो न सिर्फ आज की समस्या पर बात करते थे, बल्कि आने वाले कई हजार सालों के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उस भक्त से कहा, देखो, जब हम काम करते हैं तो परेशानी का होना आम बात है। काम का बोझ कई बार ज्यादा हो जाता है, पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि काम सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है। काम के घंटे में अपना काम पूरा करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बहुत तनाव हो रहा है, तो कोशिश करो कि तुम्हारे सांसें सामान्य चलें और तुम्हें किसी तरह की बेचैनी ना महसूस हो। पर कन्हैया, काम करते समय ये महसूस करने का समय नहीं होता है। देखो, पहले ये बताओ कि तुम दिन में कितना समय अपने मन को या फिर दिमाग को देते हो जिससे वो शांत रह सके। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा। यही तो समस्या है हमारी। हमारी सारी दिक्कतें मन की और हमारे दिमाग की होती हैं, और हम उन पर काम ही नहीं करते हैं। आजकल के लोग बस शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। शरीर के भीतर जो मन रहता है उसका किसी को ख्याल नहीं है। वो बेचैन होता है तो उसे भी कुछ तो देना ही होगा ना। शरीर बीमार होता है तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, पर अगर दिमाग में या मन में बीमारी आती है तो हम उसे यूं ही टाल देते हैं। सबसे पहले अपने मन को समय देना सीखो। रोज सुबह अपनी सांसों को काबू में करो। आधा घंटा भी अगर अपनी सांसों को तुम बस में कर पाए तो पूरा दिन तुम्हें न काम का बोझ महसूस होगा, और जो काम है उसे भी तुम समय से पूरा कर पाओगे। तो क्या सिर्फ इतना करने से मेरी काम की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या मैं तनाव लेना बंद कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं। इससे भी पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमें क्यों काम का बोझ महसूस होता है। काम तो हमेशा उतना ही होता है जितना शुरू से था। उसमें कभी कभार एक दो काम ऊपर नीचे मिल जाते हैं। इसमें ज्यादातर गलती हमारी ही होती है, क्योंकि हम समय से काम को पूरा नहीं करते हैं। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि समय से काम पूरा हो, और अगर कई बार नहीं भी होता है तो उसका बोझ लेकर नहीं बैठना है। जब समय हो उसे पूरा कर दो, क्योंकि जितना समय तुम बोझ और परेशानी के बारे में सोचोगे उतनी ही देर में वो काम खत्म होगा। जो काम आपके बस में है उसे कर दो, और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर
अपने आप को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह कहना आसान है पर आपके लिए करना मुश्किल। पर यकीन मानिए, अगर एक हफ्ते भी आपने मेरी बात मानी तो आपको अपने ऊपर कमाल का असर दिखेगा। भक्त कृष्ण की बातों से काफी कुछ सीख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि वाकई वो उन बातों की भी चिंता करता है जिन पर उसका कोई बस ही नहीं है, और इस वजह से वो कई बार उन कामों को भी नहीं कर पाता है जिन्हें वो खुद कर सकता है। कन्हैया, कोई बहुत आसान विधि बता दीजिए जिससे मैं और आसानी से अपनी चिंताओं को दूर कर सकूं और अपने काम को पूरा कर सकूं। कोई भी आसान विधि नहीं है, आपको वही करना है जो मैंने पहले कहा था। रोज अपने आप को कम से कम आधे से एक घंटा दीजिए और ध्यान या फिर योग कीजिए। मन को स्थिर करना सीखिए। अगर मन और आपकी सांसें आपके बस में हैं तो आपको कभी चिंता छू ही नहीं सकती। और हां, एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता चिता समान होती है, इसलिए हमें पूरी तरह से चिंता से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा समय के रहते अपने काम को पूरा कीजिए। जब काम कर रहे हैं तब सिर्फ काम कीजिए और कुछ भी नहीं। जिस समय आपको काम करना है उस समय अगर आप कुछ और करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम का बोझ बढ़ेगा ही। इसलिए दो नियम, सबसे पहले रोज अपने मन के लिए ध्यान लगाइए और दूसरा, जब काम का समय हो तब सिर्फ काम करें, बाकी कुछ नहीं। भक्त की समस्या लगभग ठीक होती नजर आ रही थी, पर एक आखिरी सवाल उसके होंठों तक आ ही गया था। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम घर पर करते हैं और इससे घर वाले काफी नाराज होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक सबसे जरूरी सवाल और बात है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे गलत काम करते हैं। आपको समझना होगा कि दफ्तर और घर में फर्क है। हर जगह का अपना काम होता है। दफ्तर काम करने के लिए है, इसलिए वहां काम कीजिए। और अगर आपके दफ्तर के लोग आपको घर आने के बाद भी काम करवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताइए कि ये आपके परिवार के साथ होने का समय है। ये नियम आपको खुद बनाने होंगे। अगर आप हर वक्त लोगों के सामने उपलब्ध रहेंगे तो वो तो चाहेंगे ही कि आप 24 घंटे काम करें। इसलिए अपने काम को घर ले जाने की गलती मत कीजिए, इससे आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में दूरियां आ सकती हैं। आपके बच्चों, पत्नी या माँ को आपकी जरूरत रहती है। उस समय अगर आप अपना काम कर रहे होंगे तो काम के बीच में वो अपनी समस्या आपको नहीं बता पाएंगे। दफ्तर वालों को काम के घंटों के अलावा आपको न बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। अगर जरूरी है तो दूसरे दिन दफ्तर जाकर उसे पूरा कीजिए, घर में नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जी कन्हैया, आपने मेरी सभी समस्याओं को अच्छे से समझा और मुझे उसका समाधान भी बताया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं काम का बेवजह बोझ न लूं और हर काम को उसके समय से करूं। अब मैं रोज योग और प्राणायाम भी करूंगा जिससे मुझे काम की बेमतलब चिंता ना हो। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आजकल की समस्या और भी कठिन है। हर समय फोन और ईमेल जैसे संदेश आते रहते हैं। हमें भी अपने काम को ऑफिस में और बाकी का समय अपने घर वालों को देना चाहिए, जिससे हर जगह एक संतुलन बना रहेगा। ऑफिस के लोगों को ऑफिस खत्म होने के बाद ना बोलना सीखिए, जिससे उन्हें आपके समय की कीमत का पता चलेगा। और उसके अलावा जो भी काम का वक्त है उसे उसी काम के समय में पूरा कीजिए, जिससे आपका मन हमेशा शांत और चिंता से दूर रहेगा।